आज के काव्य पाठ को आगे बढ़ाने के लिए एक वीर रस के कवि को बुलाना चाहूंगी, एक ऐसे कवि जो जब लिखते हैं तो उनके शब्दों में ही वीर रस घुल जाता है, लेकिन उतना ही धर्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान उनके चेहरे से ही झलकता है। आप ग्रंथों की बात करें या आप साहित्य की बात करें, असीम ज्ञान के अनुकंपा इनके पास है और माँ सरस्वती का वास इनके कंठ में है। इन्हीं को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर रमेश निराश जी हमारे बीच में मौजूद, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच श्री गुरुदेव बहादुर जी के लिए श्रद्धा सुमन लेकर आ रहे हैं डॉक्टर रमेश निराश। तो निहाल, ये आवाज होती है जो बोले सो निहाल। तम की पूनी गम का चरखा, प्राणहीन प्यासी कविता, सुख गूंथे दुख अश्रु मानव, रक्त रंजित पावन सरिता। उसके गुणों का मैं क्या बखान करूं जिसके आकर पूरे रचनाकार बनूं, पूरी पृथ्वी को अपनी कलम से लेखनी से भर दूं, तब भी उनके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे मेरे मित्र ने कहा, मैं भी भावुक हो रहा हूं। बचपन से मुझे पता है, क्योंकि मैं पंजाब में रह चुका हूं, तो भावुकता तो आ रही है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ रहा है। कैसे भूले उपकार तेरा, गुरु चरणन शीर चुकाता हूं। कैसे भूले उपकार तेरा, गुरु चरणन शीर चुकाता हूं, गुरु तेग बहादुर बलिदानी, मैं सदा के सुमन चढ़ाता हूं। अरे जब तक जग तेरी महिमा गाएगा, सूर्य चंद्र और तारे जब तक जग तेरी महिमा गाएगा, बलिदान को तेरे जग में गुरवर कैसे भूल कोई पाएगा। उसकी मिसाल है, क्योंकि जो हमारा कश्मीर था, यहीं पर सभी के ऋषियों मुनियों के जितने भी हमारे हुए हैं, ऋषियों मुनियों बुद्धिजीवियों में मैं अक्स तेरा ही पाता हूँ, गुरु तेग बहादुर बलिदानी, मैं श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। जालिम ने फरमान दिया जब, जालिम ने फरमान दिया जब, सब पंडित मुस्लिम बन जाओ। जालिम ने फरमान दिया जब, सब पंडित मुस्लिम बन जाओ, खतना कर लो जनयू छोड़ो, या तुम सूली पे चढ़ जाओ। खतना करवा लो जनयू छोड़ो, या सूली पे तुम चढ़ जाओ। औरंगजेब अत्याचारी का दुखद वृतांत सुनाता हूँ, गुरु तेग बहादुर बलिदानी, मैं सदा सुमन चढ़ाता हूँ। कृपा राम कुछ पंडितों के संग, कृपा राम कुछ पंडितों के संग, गुरु चरणन अरदास किए। कृपा राम कुछ पंडितों के संग, गुरु चरणन अरदास किए, शरणागत पंडित कश्मीरी, मन में तेरा विश्वास लिए। आज का दीपक तूने जलाकर, कहा चलो मैं आता हूं, गुरु तेग बहादुर बलिदानी, श्रद्धा के सुमन चरा। जब मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, अंबर पे अंकित संदेश तेरा। मैंने यही सुना कि शब्द रहते हैं, तो जब उन्होंने कहा कि अगर गुरु साहिब मुस्लिम बन जाएंगे, तो हम सारे कश्मीरी पंडित मुस्लिम बन जाएंगे। अंबर पे अंकित संदेश तेरा, जब हम मुस्लिम बन जाएंगे, पंडित अपने आप ही सारे खुद खतना कर जाएंगे। कष्ट सहा जो तूने, उस सोच के ही घबराता हूं, गुरु तेग बहादुर बलिदानी, मेरे में भी यही हुआ गिरजा के साथ। मत्यदास पर जालिम ने जब महफिल में आरी चलवाई, रुई में लपेटा सती दास को, आग की लपटे लगवाई। नबे में भी सब यही हुआ। मत्यदास पर जब जालिम ने आग की लपटे लगवाई, फिर भी सजदा ना करवा पाया। सबसे बड़ी बात, फिर भी
सजदा करवा न पाया ये सोच के मैं इतराता हूँ, गुरु तेग बहादुर बलिदानी मैं श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। खोलते पानी में तड़पा दयानंद, उसको कहा गया था कि अगर जब तक कश्मीरी पंडित इस सृष्टि पर है आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते, जब तक कश्मीरी पंडित है, पिछले 33 साल से हम विस्थापित है, तो भारत को कोई छू नहीं सकता। खोलते पानी में तड़पा दयानंद, दाव सभी वो हारा था, दयानंद औरंगजेब तुझे शर्म नहीं थी, तू इतना बड़ा क्रूर हथियारा था, औरंगजेब तुझे शर्म नहीं थी, तू इतना बड़ा क्रूर हथियारा था, दयानंद तेरी गाथा गाकर मैं गर्वित हूँ हर्षाता हूँ, गुरु तेग बहादुर बलिदानी मैं सदा के सुमन चढ़ाता हूँ। कि भारत को अगर मिटाना है हर कश्मीरी पंडित को पहले मुस्लिम हमें बनाना है। जनियों कितने रोज जलाए क्यों भूल गया,